तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। एक LSD करके रोग चल रहा है, अभी वायरल हो रखा है वो, जिसको अपने लंफी स्किन डिजीज कहते हैं, जो एक प्रकार का चर्म रोग है। और इस गाय के मैं आपको लक्षण दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या होता है ये देखिए। आप थोड़े से देख रहे होंगे पूरी बॉडी पे, ये देखिए, ये पूरी बॉडी के ऊपर जो है इसके ये छाले छाले टाइप हो जाता है। इसको त्वचा रोग इसका हिंदी में नाम है और इंग्लिश में इसको लंफी स्किन डिजीज कहते हैं। इसका मेडिसिन में दोस्तों कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा एंटीबायोटिक लगाओगे, ज़्यादा हेवी एंटीबायोटिक लगाओगे तो ये ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, एक तो ये पैरों से स्टार्ट होता है, ये पहली बात है, पैरों से स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, नमक और पानी थोड़ा लेके गर्म पानी पानी कर लेना, गर्म पानी हो थोड़ा गुनगुना जिस टाइप का, मतलब ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना पानी लेके उसके अंदर 2-3 चम्मच हल्दी मिला लीजिएगा और उसी के अंदर आप 1-2 चम्मच नमक मिला लीजिएगा और उस पानी से इसको नहलाना होता है, अच्छे से नहलाइए। और जिस पैर से स्टार्ट हुआ है उस पैर में स्वेलिंग होगी, उस पैर से बैठा नहीं जाएगा, पशु खड़ा खड़ा परेशान रहेगा, बुखार भी रहेगा, तो उस पैर पे आपने वो पानी थोड़ा ज़्यादा देर तक डालना है। उसका ऐसे करोगे तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा आप इस पशु को इस तरह का अगर लंफी स्किन डिजीज हो रखा है तो उसको आपने क्या करना है, एंटी एलर्जिक, जैसे एविल की टेबलेट है, एविल की टेबलेट उसको आप रोटी के अंदर डेली का सुबह शाम दीजिए। और प्लस उसको अगर बुखार हो रहा हो तो निमोसलाइड, पैरासीटामोल या बुखार की और भी टेबलेट आती है तो वो आप इसको दे सकते हो। तो आप इसमें इंजेक्शन या मेडिसिन ज़्यादा लगवाने के चक्कर में ना रहो। और ये जो है मेडिसिन और इंजेक्शनों से ज़्यादा जो है फैलता है, इंजेक्शन तो दिलवाना ही नहीं है। मैंने कई डॉक्टरों से बात की है और गूगल पे भी इसको अच्छे से सर्चिंग किया है, तो इस रोग का आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना है दोस्तों, और ना ही इसका जो है मेडिसिन के अंदर कोई इलाज है। और ये चींचड़ों के कारण भी हो रहा है, बहुत से और भी फंगल टाइप सिस्टम होता है उसके कारण भी हो रहा है। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, और अगर इस तरह से आपके पशु को दिक्कत हो जाती है तो उसको आपने परहेज कराना है, बस दूसरे पशुओं से अलग रखना है। और चारे के अंदर फीड जब देते हो तो फीड के अंदर आपने इसमें हल्दी 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच हल्दी इसको डेली देनी है, 2-4 दिन 5-7 दिन तक, 10 से 12 दिन या 15 दिनों में ये अपने आप ही ढल जाती है, बिल्कुल सेट हो जाता है पशु। ये आप देख सकते हो इस गाय को वे कितने दिनों के भाई साहब, 4-5 दिन 5-6 दिन लगभग, हफ्ता भर मान लीजिए, हफ्ते भर के अंदर अब ये फीड पे भी आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चारा भी लेने लग गई है, ये इस तरह से ये पूरी बॉडी में हो जाता है, ये देखिए आप पूरी बॉडी में जो है, और ये पैरों से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, ये पैरों से स्टार्ट होता है, पैरों पे भी ये हो रखा है, तो आप इसमें बिल्कुल ना घबराएं। तो दोस्तों लमसम मैंने आपको सब बातें बता दी है। लंफी स्किन डिजीज़ अगर आपके पशु को हो जाता है तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, और आप इस तरह से एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो टेबलेट आती है बुखार वगैरह की, वो देके और पशु को परहेज कराओगे तो पशु आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, 10 से 12 दिन में 15 दिन में अपने आप नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और अच्छे से अपने पशु की केयर करें दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कॉमेंट करें और लाइक कर दें और शेयर कर दें किसान भाइयों तक ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों।